हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं एक लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग की वीडियो अपने टेक चैनल पे। और ब्लॉग तो आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे। और आपने हमारा चैनल अभी तक ब्लॉगिंग जो ब्लॉगिंग का जो चैनल है डेली ब्लॉग्स राइड ब्लॉग, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पर जाके आप खोल के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं दोस्तों। और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक वाला यार भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आप कोई कंटेंट अच्छे लगे तो कर सकते हैं दोस्तों। दोनों चैनल्स में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। और अभी आज मैं लेके आऊँ काफ़ी दिनों के बाद अनबॉक्सिंग। पहले मैं अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में ज़्यादा लेके आता था, टेक के बारे में कम लेके आता हूँ, लेकिन बीच बीच में अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई तू एक मतलब वो दूर है, उसने मेरे से राय ली थी। मैंने उसको फ़ोन पर बहुत समझाया था, फिर वो भी बोला बोल तो भाई तुम्हें अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल दे, कैसी आती कैसी नहीं, क्योंकि मैं रुपए वेस्ट कर दूँ फिर इसमें रिप्लेसमेंट है, फिर दिक्कत हो जाए। तो भाई तुम मंगा सकता है, तू यूट्यूबर है। उसने मेरे को फुल चढ़ा दिया, फुल मतलब काफ़ी चढ़ा दिया मेरे को, पूरा यूट्यूबर। मतलब कि तू यूट्यूबर है भाई, तेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, ऐसे वैसे क्या बोलूँ मैं। और अब इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। इसके बता देते हैं रिंग लाइट, जो मैं मेरे स्टूडियो में दो तीन लाइटें रखता हूँ रिंग लाइट्स की, वो हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे स्टूडियो में कम से कम चार लाइट रिंग लाइट की, चार लाइट हैं और ये पाँचवीं होगी मेरे स्टूडियो में। और दोस्तों ये मैंने एक मेरे चैनल पर भी डाला था, शायद इस पर ही डाला था, माई जर्नी, इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो है माई जर्नी, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें तो शायद दो रिंग लाइट का जिक्र हुआ था। धीरे धीरे हो रहा है ऊपर वाले की दया से, स्पॉन्सर आते हैं, स्पॉन्सर से होता रहता है, वैसे छोटे मोटे स्पॉन्सर आते रहते हैं। और अब बता देता हूँ, ज़्यादा आपका कीमती समय नहीं देता हूँ दोस्तों। ये हमने रिंग लाइट मंगाई है 370 रुपये की, 370 रुपये की मंगाई है, लेकिन हम तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं मंगाई और कैश ऑन डिलीवरी नहीं खरीदी हमने, हमने खरीदी है पे ऑन लेटर जो हमारे। और 370 में इसमें स्टैंड भी दिखाया जाता है साथ में, देखिए स्टैंड आता नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे और रेटिंग्स भी इसके कारण थोड़ी मतलब रेटिंग्स तो काफ़ी है, लाइट बहुत ज़बरदस्त आती है 370 रुपये में। और मैंने एक रिंग लाइट दिखाया ना दोस्तों, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रिंग लाइट की एक लिंक, जहाँ से मैं खरीदता हूँ अमेजन या फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट से खरीदी थी मैंने काफ़ी दो तीन लाइटें, एक अमेजन से खरीदी थी, उसकी थोड़ी क्वालिटी थोड़ी लो आई है लेकिन स्टैंड ज़बरदस्त आया था उसका। तो मैं वो भी बता देता हूँ, उसकी लिंक भी है ना डिस्क्रिप्शन में, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो उसके साथ स्टैंड भी आएगा। वो समथिंग मैंने खरीदी थी 575 रुपये में। तो बेनिफिट यही है कि स्टैंड भी साथ में मंगा लें, और चाहे एक्स्ट्रा स्टैंड है तो वो अलग बात है दोस्तों। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपका कीमती समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। ओके दोस्तों, बॉक्स कुछ ऐसा है, फ्लिपकार्ट से पैकिंग वगैरह आई है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन, यहाँ से तो हम वन साइड, इसका एक साइड तो ओपन करने का कुछ दिया ही होगा। चलो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये कुछ हमारे एड्रेस वगैरह दे दिया यहाँ पे, जो मैं आपको शो नहीं करूँगा, क्या पता कब। चलो हम इसको पीछे से नहीं आगे से ही खोलते हैं। ये रिंग लाइट है फिल लाइट एंड ब्यूटी फेस, मैक फेस एंड आई ब्यूटी, नाइट कोर एक्सट्रीम और मल्टीपल कलर टेम्पलेट। इसके तीन कलर आते हैं दोस्तों, मैं आपको स्टैंड पे भी लगा के दिखाऊंगा और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। 10 इंची में आता है दोस्तों, इसमें लिखा होता है 12 इंची, लेकिन आता 10 इंची में है ये। ये फ्लिपकार्ट वाले थोड़े ना, वो सेलर है ना, वो थोड़े यहाँ मतलब बेचने के चक्करों में गलत बेच देते हैं। 26 सेंटीमीटर ये लंबाई वगैरह, कुछ सरफेस वगैरह दिखा रखा है। और ऐसी कुछ लाइट आई है, कुछ भी कहो दोस्तों, लेकिन फ्लिपकार्ट से जो मतलब प्रोजेक्ट इस रिंग लाइट मंगाते हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो हम इस बॉक्स को, इसको भी साइड में डाल देते हैं कि हमारे कोई काम की काम का नहीं है बॉक्स वगैरह, क्योंकि ये देखे दोस्तों, दोस्तों इसकी थोड़ी ना ये क्वालिटी मतलब अंदर से थोड़ी आवाज़ आ रही स्प्रिंग की सी, वैसे वैसे ठीक है। अब इसको हम चालू करके देखते हैं, अगर ये चालू होती है तो बढ़िया है। ये चाइना का होता है दोस्तों, ये चाइना का प्रोडक्ट होता है वैसे, इस पर लिखा हुआ है शायद मेड इन चाइना। और ये इसका अभी मैं दिखा देता हूँ, ये तो रिंग लाइट आ गई और ये आ गया स्टैंड वाला बाइक, वो जहाँ पे इस पर लगता है, ये लगा के दिखाता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों इसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा आता है, वो एक्स्ट्रा नहीं आया मेरे, तो लगभग आते हैं एक्स्ट्रा भी आते हैं इसके साथ, ये ऐसे लगाया जाता है इसमें।
लगा दिया, इसको कस दो, फिर इसको लगाया जाता है इस पे ऐसे लगाया जाता है, ये लग गया ना दोस्तों। अब मतलब इसको कहीं पे ऐसे मोड़ना है, वहाँ से कर लो, इसको टाइट कर लो पहले, ये ऐसे लग गया ना दोस्तों। ये देखो, इसको यहाँ से कस लो, यहाँ पे लगाया जाता है, और यहाँ पे लगाया जाता है नीचे, ये लगाया जाता है, ये तो लगाया जाता है नीचे स्टैंड में, और फिर इसको यहाँ से खोल के इसको ऊपर करो, फिर यूज़ करो इसके, इसको यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ ना अभी, वैसे वैसे यूज़ करना है अपने को। लग गया ना दोस्तों, ठीक है। अभी इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने ये पावर बैंक ले लिया, इसमें दूसरी रिंग लाइट में लगी हुई है, लेकिन मैंने ये ले लिया ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक कलर ऐसा आता है, इसमें तीन, ये तीन रिमोट आते हैं, यहाँ पे तीन के आते हैं, लेकिन मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए, ये तो ऑन का आता है, ऑन करने का, ऑन किया, फिर इसके जस्ट ऊपर वाला है ना, इसको ब्राइटनेस कम करने का आता है, फिर जो बीच में ना ऐसे करके राउंड सा दिखाएगा इसको, मतलब कलर चेंज करने में आता है। जैसे एक कलर ये वाइट, एक थोड़ा ये वाइट और रेड रेड, और ये एक रेड, तीन कलर आते हैं इसमें, और ये ज़्यादा करने का, और ये देखो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी होता है, देखनी है ना दोस्तों। ये देखिए, मतलब अच्छा खासा है, और अच्छा खासा मेरे को भी लगा है ये। इसको हम रख लेते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ये ना अंदर से आवाज़ आ रही स्प्रिंग के, इसको हम रिप्लेस कराएंगे फिर रख लेंगे। और यहाँ से टूटा हुआ भी है थोड़ा दोस्तों, टूटी हुई भी है ये, मेरे को लगता है किसी ने रिटर्न किया, वो अपने पास आया। चलो इसको रख भी लेते, देखते हैं रखेंगे या रिप्लेस कराएंगे, वो देखेंगे हम इस पर क्या है, कुछ क्या कुछ नहीं है। और दोस्तों अब इसको स्टैंड पे लगाने की हम टेक्निक बताते हैं। दोस्तों अब हमने ये ऐसा कुछ स्टैंड होगा अपना, जैसे इसके ऊपर आया आएगा अपने पास ऐसा स्टैंड है, उस पर लगेगा। ये अपनी कुछ रिंग लाइट है, जिसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, उसमें लगेगा। ये ऐसी अपनी रिंग लाइट है, जिसका ये ऐसे नीचे हमने सेट कर दिया ना, इसको थोड़ा फिर इसे इधर आना, इसको थोड़ा टाइट कर लें एक बार, तो मतलब हिलेगा नहीं बाद में। इसको कर लिया ना, तो फिर इसको दोस्तों अब इसके ऊपर लॉक के ऊपर रखना है, और इसको इधर इधर ऐसे सेट कर लेना है अपने को नीचे से। ये दोस्तों ऐसे सेट हो जाएगी, हो गई दोस्तों, कस लेना अपने को, हो गई दोस्तों। और ऐसे ऐसा कुछ स्टैंड आइए, बहुत काफ़ी बड़ा जाता है, मैं बताता है दोस्तों, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा जाता है, और ऐसे सेट होता ही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, रिंग लाइट्स, रिंग लाइट्स, और एक दो मैंने स्टूडियो में सेट कर रखे हैं, उनके दो दूर दूर वाइट लगे हुए हैं, काफ़ी रिंग लाइट्स, रिंग लाइट्स, लेकिन इसके ना क्वालिटी वैसे ज़बरदस्त है। ये देखिए, वो छन छन कर रही है, ये आवाज़ नहीं कर रहा। ये अब मैं दिखा रहा हूँ, वो अमेजन से बाइक की थी, और मैंने फ्लिपकार्ट से, अमेजन से मैंने एक ही बाइक की है, ये भी फ्लिपकार्ट से की है दोस्तों, लेकिन इसमें ये आवाज़ आ रही है ना, मेरे को अच्छी नहीं लग रही दोस्तों, ऐसे लो क्वालिटी लग रहा है पूरा। इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, मेरे को लगता है किसी ने यूज़ करके दिया है। ये देखो अभी टाइट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, अगर अच्छी होगी तो रखेंगे इसको, वरना रिप्लेस कर लेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।